मोदी जी बिल्कुल सारे झूठे है, जुमलेबाज है, जुमलेबाज है, मान्य है, कोई सुधार नहीं हुआ। कल रात को भी अटैक किया गया है हमारी गांवों को। मेटेईस कैसे करते हैं, उनके जो मिलिटेंट टेररिस्ट है वो जंगल के रास्ते से आते हैं, उनकी आईआरबी और कमांडो जो है वो रोड से आते हैं, जो साफ रोड से, वेली रोड से आते हैं। उनकी उनकी जो महिला है उनको एम्बुलेंस के थ्रू उनको बारूद और बंदूकें सप्लाई करते हैं, है? और जो बुजुर्ग है उनके मेटेईस की जो बुजुर्ग है, अगर जहाँ गोली चलते जहाँ गोली चलते वहाँ रोकने के लिए एआर वाले फौजी वाले आ जाते हैं, उनको रोकने के लिए जो बुजुर्ग है वो अपने कपड़े उतार के खड़ी हो जाती है। तो ये है मेटेई लोगों का कांड। तो क्या गवर्नमेंट फेल हो चली है? गवर्नमेंट तो हम तो गवर्नमेंट को मानते ही नहीं। अब मणिपुर में गवर्नमेंट है ही नहीं, अब खुद जाओ क्या क्या गवर्नमेंट क्या है। गवर्नमेंट होता तो वो भी हमारी जगह आ सकते, हम भी उनकी जगह जा सकते हैं ना। अब गवर्नमेंट है ही नहीं वहाँ पे, हम मानते ही नहीं। सीएम को कौन है सीएम बिरेन बस बिरेन ही है। मेटेईस की सीएम हमारे लिए तो वो सीएम है ही नहीं। अब था सीएम नहीं है वो, था पहले था, लेकिन जब इन्होंने ये कांड करवाया तब से वो हमारी सीएम नहीं है। लेकिन सीबीआई जांच तो हो रही है, 10 लोगों को गिरफ्तार कर रही है, एफआईआर करी गई है। हमें तो गिरफ्तार नहीं चाहिए ना, हमें तो फांसी चाहिए। जो इंसान उन लड़कियों को नंगे लेके आया, उनके प्राइवेट पार्ट्स पे हाथ लगाया, साफ साफ वीडियो दिख रहा आपको, तो सीबीआई जांच क्यों कराना? जांच तो तब कराना चाहिए ना जब कुछ हो, उसमें दाल में कुछ काला हो। अब वहाँ साफ साफ दिख रहा है कि दाल अच्छे से बुना हुआ है, तड़का लगा के बुना हुआ, तो फिर क्यों सीबीआई क्यों जांच कराना? मणिपुर मुद्दे पर विपक्ष चाहता संसद में चर्चा हो, लेकिन चर्चा हो नहीं पा रही है, सदन चल नहीं पा रही है। अगले साल चुनाव है, उनको खुद को बचाना है ना, तो इसलिए नहीं हो पा रहा। प्रधानमंत्री जी भी एक बार भी मणिपुर नहीं गए, लगातार विदेश का दौरा कर रहे, लेकिन मणिपुर नहीं गए। मणिपुर इसलिए नहीं गया क्योंकि हमारी जो सीएम है वो भी बीजेपी का है। अगर मणिपुर में प्रधानमंत्री जाता, उनको सच्चाई दिखता, सच्चाई तो वैसे ही उनको पता है क्योंकि इंटेलिजेंस है उसके पास, उनको सच्चाई पता है, लेकिन दुनिया को तो दिखाना है ना कि हमें सच्चाई पता नहीं है, इसलिए नहीं गया हुआ, क्योंकि उनका नाम खराब हो जाता। क्या लगता है, एक वीडियो तो वायरल हो गई, क्या आपको लगता है ऐसी और वीडियो भी होंगी? तमाम बहुत सारे, उसमें से हमारी दो बहनें हैं, उनको उनकी रेप करके मार दिया गया, अभी मोप में बैठे हुए वो लोग, उनकी शरीर को भी हम लोग अंतिम संस्कार भी नहीं कर पा रहे, वहाँ पे उनकी बॉडी सड़ रहे हैं, उनको ऐसे ही जैसे होते हैं ना रोड में किसी गाड़ी ने कुत्ते बिल्ली को कुचल दिया है, वैसे ही रखा हुआ है। और हमारी एक जो पागल आंटी है, जो मेंटली थोड़ा सा बीमार है, उनको भी मार दिया गया, उनका क्या कसूर है, उनको क्या पता? क्या गवर्नमेंट हालात सुधारना नहीं चाहती? कुछ कैसे जितने भी जो कांड हो रहा है मणिपुर में, गवर्नमेंट ने करवाया ना, बीरेन ने करवाया, तो वो क्या सुधारेगा? लेकिन स्मृति ईरानी कह रही है कि जो मणिपुर में आग लगाई वो तो राहुल गांधी ने लगाई है। स्मृति ईरानी को जितना टाइम जो उसके पास है, राहुल गांधी से बहस करने से अच्छा देश की बेटी को बचाने में लगाओगी तो अच्छा रहेगा। जितना टाइम बहस करने से अच्छा कि देश की बेटी को बचाने के लिए लगा लो। और जो एक एक्टिविस्ट है उन महिलाओं के बारे में, बीना लक्ष्मी नाम है उनका, खुद को एडवोकेट भी बताती है, वो मेटेई कम्युनिटी से आती है, वो कहती है उन लड़कियों के रेप की वीडियो नहीं है, उनको वीडियो तुम लोगों ने वीडियो लीक करवाया, वीडियो तुम लोगों ने बनाया, रेप तुम लोगों ने किया, क्योंकि उस टाइम तो वहाँ पे तो कोई कुकीज था ही नहीं, सारे मेटेई था। तो हमसे और मीडिया से क्यों पूछ रहे हो? अपने बंदों से पूछना कि रेप का वीडियो कहाँ है। साजिश के तहत ये करवाया गया वायरल। हाँ जी, साजिश के तहत ये वायरल करवाया गया। साजिश के तहत नहीं है, वहाँ नेट नहीं चल रहा था, तो कुछ जब नेट चल रहा है ना थोड़ा बहुत, जैसे किसी का वाईफाई चल रहा, तब उन लोगों ने वो वीडियो यहाँ वहाँ शेयर करते ही लीक हो गया है, उनसे ही लीक हुआ है ना, क्योंकि वीडियो उन्होंने खुद बनाया, रेप उन्होंने खुद किया, तो वीडियो उनसे ही लीक हुआ। हम तो थे नहीं, हमने किसी ने बनाया ही नहीं। तो क्या मणिपुर की बेटियां माफ कर पाएंगे? प्रधानमंत्री
मणिपुर की बेटियां तो चाहते हैं कि जितने भी रेप हुआ है उन सबको फांसी मिले और हमें एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन मिले। अब खुद सोचूं, इतना मार धार हो चुके हैं, अगर सरकार ये चाहता है कि नॉर्मलसी लाने के लिए, पहले जैसा लाने के लिए भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि चलो मान लो अगर हम लोग साथ भी रह लेंगे, कल को छोटी 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 बात पे अपनी खुंदक निकालेंगे कि भाई तुम लोगों ने मेरे बाप को मारा, तुम लोगों ने मेरी बेटी की रेप किया, ये चीज़ होता रहेगा तो मणिपुर कभी शांति नहीं होगा। सबसे शांति चीज़ क्या है, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे दो, मेटी खुश, हम भी खुश, अपने वो अपने जगह, हम अपने जगह, यही आस है, यही आस है और यही देना चाहिए प्रधानमंत्री को। पहले मणिपुर के तो रुकवाओ। कुछ कुछ जो सपोर्टर्स है बीजेपी के वो कहते हैं कि पहले इंडिया में टमाटर 500 का 1000 का भी हो जाए लेकिन बाहर के देश हमसे डरते हैं। उनको पता नहीं डरने और इज्जत करने वाले क्या चीज़ होते हैं, है ना। देखो जो आप अपने खुद के देश को नहीं बचा पा रहे हो, अपने देश में लोग शांति से नहीं जी पा रहे हैं, अभी वो लोग कहते हैं डरते हैं, कोई नहीं डरता, अभी सारा देश बोल रहा है ना, मैंने इंडिया के खिलाफ सारे देश बोल रहे हैं, कोई डरते नहीं है। इज्जत की बात होती है भाई, अपना इज्जत लाओ ना, देश की इज्जत लाओ। देश को पूरा बेच दिया, देश में पूरा औरतों को रेप रोज होता है, उनको दबा देते हैं, उनके कितने मंत्री हैं जो रेपिस हैं, जिसके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, फिर भी दांत फाड़ के संसद में हंसते रहते हैं। हम बिहार से आए हैं, सहारा इंडिया का वर्कर भी है और जमाकर्ता भी है, भुगतान नहीं होने के कारण परेशान है सारे जमाकर्ता और अभिकर्ता भी परेशान है, इसीलिए हम लोग जंतर मंतर पे आए हैं सरकार के विरुद्ध धरना देने के लिए। आप कह रहे हैं भुगतान नहीं तो मतदान का बहिष्कार करेंगे। जी जी जी, अगर भुगतान नहीं हुआ तो 2024 में मोदी जी को बहिष्कार करेंगे हम लोग मतदान के लिए। मोदी जी की क्या गलती है इसमें? मोदी जी की गलती यही है कि देश की सरकार है ना, वो सरकार है तो सरकार को तो पूरा देश को देखना है ना, हर चीज कहाँ क्या गलती हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन कंपनी चोर है नहीं है। सूरज राय तो चोर है, बहुत बड़ा चोर है, सो मोदी जी को तो पता है, फिर भी जो है सो सुब्रत राय को जो है सो संज्ञान में लेकर चल तो रहा है, जेल भी गए हैं वो देखिए, उससे क्या होगा। यहाँ 13 करोड़ जनता परेशान है और देश को आप चला रहे हैं। कहाँ परेशान है, सबको कैसे परेशान नहीं है, वो तो जंतर मंतर पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि परेशान है कि नहीं है। अच्छे दिन आ गए सबके, अब बुरे दिन आने वाले हैं, सबका बुरे दिन आ गए हैं और आने वाले हैं। सरकार विरोधी लोग दिखे आप लोग, बहुत बहुत बेकार है सरकार, इससे कहीं नहीं देखे खराब सरकार, मोदी जी बेकार है, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है। अरे संत आदमी है, अरे संत क्या है के, संत है लेकिन जो है सो असंत हो गए हैं। देश पर गति कर रहा है, एकदम अति कर रहा है देश के लिए, देश के लिए एकदम अति कर रहे हैं। दुनिया में डंका बज रहा है, कहीं नहीं डंका बज रहा है, दुनिया में डंका बज रहा है लेकिन अपना देश में लंका बज रहा है। कहां लंका बज रहा है? लंका बज रहा है, पूरे त्राय त्राय है पूरे देश जो है। साधु संत कह रहे हैं राम राज आने वाला, साधु संत को क्या है, साधु संत को खाली राम राज राम राज राम राज, उससे जनता को थोड़े भलाई होने वाला है। हिंदू राष्ट्र चाहिए, लेकिन यह 13 करोड़ जनता को भी तो देखिए जो घर से पीड़ित है, घर से भागे हुए हैं छोड़ के, उसका भी देखिए थोड़ा जो है सो। कह रहे खुशहाली है देश में, कहाँ खुशहाली है, मोदी जी देखिए ना यहाँ जंतर मंतर पे ये सारे जो है सो घर से भागे हुए हैं। आप जो है सो मोदी जी झूठ बोल रहे हैं, मोदी जी बिल्कुल सारे झूठ है, जुमलेबाज है, जुमलेबाज है, गंभीर आरोप लगा रहे हैं एकदम। उससे बड़ा अमित शाह जुमलेबाज है, उससे बड़ा जुमलेबाज अमित शाह भी है, कभी नहीं, कभी नहीं, उसको कभी नहीं देंगे। जब तक भुगतान नहीं होगा तब तक 2024 में मतदान हम लोग नहीं करेंगे। मंदिर भी बन रहा है देश में, मंदिर बनता है बनने दीजिए, भुगतान पहले चाहिए उसके बाद जी है सो जो मंदिर चाहिए। मजबूत प्रधानमंत्री मिले देश को, मजबूत प्रधानमंत्री, मजबूत प्रधानमंत्री अभी नहीं कहेंगे, वो 2024 में बताएंगे। अभी जो है सो हम लोग भुगतान का लड़ाई लड़ रहे हैं, पहले भुगतान उसके बाद मतदान। अरे विदेशों से भाभी आ रही है, देखना। आने दीजिए, विदेश की भाभी विदेश में रहेगी, पाकिस्तान से आ रही है, रहने दीजिए वहीं पे, कोई दिक्कत नहीं है आपको। कोई हम लोग का एक ही संकल्प है, 13 करोड़ जमाकर्ता का भुगतान होना चाहिए।